Hello everyone!

वी ऑल नो देट प्लांट हैज टू मेन पार्ट वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट तो वेजिटेटिव पार्ट में हम बात करेंगे स्टेम्स रूट्स और लीव्स की रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं तो जब वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और जब फ्लावर्स के थ्रू न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं तब उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इट कैन बी अचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और इट कैन बी अ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो स्टेम्स रूट्स और लीवस के थ्रू जब न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे देन इट इज अचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब ऐसा इनमें स्पेशल क्या होता है जिसकी वजह से न्यू प्लांट इनसे प्रोड्यूस हो सकते हैं एक्चुअली इनमें

यहाँ पर टर्मिनल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे जहाँ से न्यू प्लांट्स ओरिज़िनेट होंगे दैन सेकेंड इज कॉम कोलोकेशिया जिसको हम अरबी कहते हैं दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्स यहाँ पर टर्मिनल एंड में टर्मिनल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे विच कैन गिव होंगेट ट्यूबर्स आर एक्चुअली द स्वेलेंट पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम जिनका मेन काम होता है फूड को स्टोर करना एंड दे है यही बर्ड्स हेल्प करेंगे न्यू प्लाट्स प्रोड्यूस करने में द नेक्स्ट इज बल्ब अब बल्ब आर एक्चुअली डिस्क शेप्ड एंड स्माल स्वेलेंट पार्ट ऑफ द स्टेम एज यू कैन सी इन दिस इमेज इनके पास बहुत सारे फ्लैशी स्केल्स होते हैं एंड इनका काम भी है फूड को स्टोर करना सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेम्स फ्रॉम विच द न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड कई बार रूट्स में भी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उनसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं द एग्जाम्पल्स आर कैरेट टर्निप रेडिश बीटरूट और स्वीट पोटैटोज अब इन रूट्स में भी बर्ड्स प्रेजेंट होंगे और जब हम इनको सॉइल में ग्रो करेंगे तो इनसे नए प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं नाउ द थर्ड वन इज लीव्स लीव्स का द मोस्ट कॉमन एग्जांपल एस ब्रायोफाइलम। अगर आपने इनके लीव्स देखे हों तो आप देखोगे कि इनके मार्जिन में बर्ड्स प्रेजेंट होंगे ये बर्ड्स या तो लीव से डिटैच होकर सॉइल पर गिर जाते हैं और नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और एल्स दे कैन रिमेन अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द लीवस और नए प्लांटलेट्स में ग्रो कर सकते हैं सो दीज वर द्री डिफरेंट मोड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब जब हम किसी भी प्लांट के इन पार्ट्स में से बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली देट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें हम मेनली स्टडी करेंगे कटिंग लेअरिंग एंड ग्राफ्टिंग सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज कटिंग नाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इज कटिंग जहाँ पर हम प्लांट्स के किसी भी पार्ट लाइक स्टेम रूट या लीव्स के पार्ट को कट करके इनसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग एज यू कैन सी इन दिस इमेज जहाँ पर हम एक शार्प टूल को यूज करके स्टेम को कट करते हैं इन सच अ वे दैट देर शुड बी अ बर्ड एट द एंड ऑफ द कटिंग इस पार्ट को हम कहेंगे कटिंग आफ्टर दैट इन कटिंग के लोअर पार्ट को हम मॉइस्ट सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं एज यू कैन सी इन दिस इमेज एंड आफ्टर सम टाइम द एडवेंटिशियस रूट्स विल डेवलप फ्रॉम दिस कटिंग एंड इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट एंड इट इज वेरी कॉमन इन द प्लांट्स सच एज ग्रेप्स शुगर केन बनाना कैक्टस रोज बॉगनिया एंड क्रिजेंथम इन एग्जाम्पल्स को जरूर अच्छे से लर्न कर लेना बिकॉज कई बार एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इन प्लांट्स को हम आर्टिफिशियली किस तरह प्रोपोगेट कर सकते हैं लाइक रोज दे दे दिया एंड देन आर आस्किंग हाउ वी कैन आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस द रोज कैन यूज द प्रोसेस ऑफ कटिंग टू रिप्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स नॉ द सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इज लेरिंग एज यू कैन सी इन दिस इमेज जहां पर प्लांट के एक ब्रांच को झुका कर सॉइल में दबा दिया जाता है और ब्रांच में प्रेजेंट लीड्स ग्राउंड के ऊपर होते हैं Now after some time new roots starts developing from the part of the branch which has been buried in the soil as you can see in this image ab is branch ko parent plant se it can grow as a new plant and it is very common in the plants such as jasmine strawberries raspberry lemon guava hibiscus and bougainvillea now the third type of artificial propagation is grafting

आफ्टर दैट हम इनके स्टेम्स को स्लांटिंग वे में कट करते हैं दिस टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड स्लांटिंग कट अब हम स्टॉक और सियोन इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे कि जिनकी कैम्बियम की लेयर होती है ये एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉन्टेक्ट में आए अब कैम्बियम की लेयर क्या होती है आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं एक्चुअली दीज लेयर्स आर कॉल्ड लेयर ऑफ कैम्बियम्स और इन्हीं से प्लांट ग्रो करते हैं ओके okay? जब दोनों की कैम्बियम लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो वो ग्रो करके मर्ज हो जाएंगी एंड देन दे कैन ग्रो एज सिंगल कैम्बियम नाउ हम सियोन को स्टॉक के ऊपर कुछ इस तरह से फिट कर देते हैं कि वो बिल्कुल पैक हो जाए उसके बाद हम उसको क्लोथ से टाई कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको पोलिथीन से कवर कर देते हैं टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड विल ग्रो एंड मेक वन सिंगल प्लांट तो सियन अपने ओरिजिनल प्लांट्स और फ्रूट्स या फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे एंड मिनरल एंड वाटर चूज इन स्टॉक से रिसीव करेंगे जिससे इस प्लांट में अब हमारे ओरिजिनल दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं सो दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन कैन बी सीन इन एप्पल पीच एप्रिकॉर्ड एंड पीयस नाव लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवाटेजेस ऑफ क्राफ्टिंग सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट कैन कम्बाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ना लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारे पास दो प्लांट है दिस इज प्लांट वन एंड दिस इज प्लांट टू प्लांट वन बहुत अच्छे से फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है इसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा है पर इसके पास रेजिस्टेंट पार बहुत कम है इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी किसी भी डिजीज से इन्फेक्ट हो जाता है वेयर एज ऑन द अदर हैंड द सेकेंड प्लांट हैज़ वेरी लेस प्रोडक्टिविटी इसका फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत कम होता है पर इसके पास रेजिस्टेंट पार बहुत अच्छी है ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता किसी भी डिजीज़ से तो अब हम इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स को ग्राफ्टिंग की टेक्निक से यूज़ करके एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे ये जो नया प्लांट होगा इसका प्रोडक्टिविटी भी, भी अच्छा होगा लाइक द फर्स्ट प्लांट एंड इट कैन शो द रेजिस्टेंट पार अगेंस्ट द लार्ज वेराइटीज ऑफ डिजीज जस्ट लाइक प्लांट टू ओके नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द कैन प्रोड्यूस द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स क्वेट फास्ट वेन इट इज क्राफ्ट टू द स्टॉक ऑफ मेच्योर्ड प्लांट्स नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टॉक फुली मेच्योर्ड है स्टॉक मेच्योर्ड है दैट मीन्स इसके रूट्स काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें जब हम यंग सीओंस को ग्रो करवाएंगे या फिर ग्राफ्ट करवाएंगे तो इन सीओन से बहुत जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर्स डेवलप होने लगेंगे क्योंकि अब इन्हें टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा रूट्स के डेवलपमेंट में तो यहाँ से टाइम बच जाएगा द थर्ड पॉइंट इज सम प्लांट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स को कम्बाइन करेंगे तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसलिए अब ये जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स वो डिफरेंट वेराइटीज़ के होंगे नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन प्रोड्यूस द वायटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए ग्राफ्टिंग इज अ बेस्ट टेक्निक जहाँ पर हम स्टेम्स के थ्रू नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं नाउ लेट डिस्कस अबाउट द एडवाटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट है कि हम किसी भी प्लांट के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को रेप्लीकेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं रेप्लीकेट मतलब मल्टीप्लाई करके हम नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमने अभी तक इन सारे टेक्निक्स में देखा सेकेंड है द प्लांट कैन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मच अर्लियर इन कंपेरिजन टू द प्लांट्स दैट इज ग्रोन फ्राम द सीड्स अगर हम सीड्स को सो करें

न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो ये काफी जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इनके या तो रूट्स पहले से डेवलप्ड होते हैं या फिर इनके शूट्स पहले से डेवलप होंगे नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द सिंगल पेरेंट प्लांट इन लेस टाइम अब एक ही सिंगल पेरेंट प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही कम समय पे। सो द सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रोन इजली बाय दीज मेथड्स अब सीडलेस प्लांट्स कैसे हो सकते हैं लाइक like, बनाना uh, इनमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड से नए प्लांट्स को ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यू कल्चर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल कई बार ये डायरेक्टली फाइव मार्क्स के लिए आता है जिसमें आपको सारे स्टेप्स बताने हैं अब होता क्या है टिश्यू कल्चर एक्चुअली जब हम किसी प्लांट के सेल्स को यूज करके या फिर टिश्यूज को यूज करके पूरा न्यू प्लांट प्रोड्यूस करें इन अ लेबोरेटरी देन दैट प्रोसेस और दैट कॉल्ड टिश्यू कल्चर इसी ग्रोइंग टिप से हम प्लांट्स का थोड़ा सा टिश्यू रिमूव कर लेते हैं और फिर उसको किसी ऐसे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे न्यूट्रिय एंड हार्मोन्स तो न्यूट्रिएंट और हारमोन्स यूज करके हम सेल्स या टिश्यू से, से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और इस टेक्निक को बोला जाता है टिश्यू कल्चर ये मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखने को मिलता है सच एज ऑर्किड डेलिया टिश्यू कल्चर की टेक्निक मेनलीबोरेटरीज में करवाई जाती है और इसमें किसी भी प्लांट के ग्रोइंग टिप से थोड़ा सा टिश्यू या फिर सेल रिमूव करेंगे एंड देन वी विल ट्रांसफर दैट टिश्यू इनटू द मीडियम व्हिच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स और हारमोन्स न्यूट्रिय और हारमोन्स इसमें प्रेजेंट होंगे ये हारमोन्स इन सेल्स को हेल्प करेंगे डिवाइड करने के लिए जिसकी वजह से सेल्स बार बार डिवाइड होकर नाउ दे विल फॉर्म अ कैलस लाइक स्ट्रक्चर तो कैलस एक शेपलेस लंप ऑफ मास ऑफ द सेल्स है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस जब ये कैलस डेवलप होगा तो इन कैलस को अब हम किसी ऐसे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जिसमें प्रेजेंट होते हैं रूट स्ट्यूमुलेटिंग हारमोन्स नाउ रूट स्ट्यूमुलेटिंग हारमोन विल हेल्प डीज कैलस टू डेवलप द रूट्स जैसे ही रूट्स इन कैलस से डेवलप हो जाएंगे इनको हम किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं शूट स्टिमुलेटिंग हारमोन्स अब इन शूट स्टिमुलेटिंग हारमोन्स का काम होगा शूट्स को ग्रो कराने में हेल्प करना जब इस कैलस में रूट्स और शूट्स दोनों ग्रो हो जाएंगे तब हम इसको किसी बड़े मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर दी कैलस विल नाउ डेवलप इन टू अ टाइनी प्लांटलेट्स अब इन प्लांटलेट्स को या तो हम पॉट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हम ग्राउंड में किसी सॉइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हमने सिंगल सेल्स को न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट करा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कल्चर एंड इट इज़ डन इन लैबोरेटरीज नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट द advantages ऑफ टिश्यू कल्चर तो सबसे पहला है इट इज़ अ फास्ट मेथड टू ग्रो थाउजेंड ऑफ़ प्लांटलेट्स इन फ्यू वीक्स कुछ ही वीक्स में हमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स मिल जाते हैं एक सिंगल सेल को यूज करके सेकेंड है न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड by द टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री इसमें डिजीज़ नहीं होते क्योंकि हम इनको lab में डिजीज़ फ्री एनवायरमेंट में ग्रो करवाते हैं नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस कैन ग्रो द प्लांट राउंड द ईयर दैट मीन्स पूरे साल हम ये प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं अगर हम नेचुरल तरीके से प्लांट्स ग्रो कराएंगे तो हमको सीजन्स और वेदर्स का ध्यान रखना पड़ता है बट लैबोरेटरीज में हम पूरे साल इन प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं और इनका वेदर और सीजन से कोई लेना देना नहीं होता नेक्स्ट है लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर बहुत ही कम स्पेस दिश्यूक्यूपाई करते हैं न्यू प्लांट्स ग्रो कराने के लिए प्लांट मोस्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्लांट कैनेशन एंड क्रिजेंथम दीज आर द नोट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं क्विकली स्लाइड्स चेंज कर रही हूँ आप वीडियोस पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं